नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आपका स्वागत करता हूँ सुपरसोनिक सर यूट्यूब चैनल की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एनडीए की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके अलावा हम फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ इसी के साथ साथ कि यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो सही और सटीक दी जाएगी, जो आपको फ्यूचर में काम आ सके। और जिन एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ उनमें तो वो आनी आनी है। इससे रिलेटेड मैं जीके के टॉपिक से, संविधान जीके के पार्ट से, टॉपिक संविधान से दो पार्ट चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर विजिट ऑन करके देख सकते हो। इसके अलावा मैं इंग्लिश के पार्ट टू पार्ट कंजक्शन से रिलेटेड टू पार्ट चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज नई क्लास में नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिग्री। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूँ कि डिग्री से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और एनडीए तीनों ही एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब हम डिग्री पढ़ते हैं आज, तो डिग्री में स्टार्ट करते हैं कि डिग्री की टाइप, डिग्री आखिरकार कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री जो प्रकार की होती है, डिग्री थ्री टाइप की होती है। कितनी टाइप की? डिग्री तीन टाइप से होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री के डिवाइडेशन तो हमने पढ़ लिया, बट इनमें अंतर क्या है? पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, कैसे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, और एग्जाम्स में किस तरीके से ये पूछा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके अलावा हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय क्रमशः ER व EST का प्रयोग करते हैं। यानी फ्रेंड्स, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री है तो इसके पीछे ER लगाने पर वो कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी और EST लगाने पर वह जो है सुपर रिलेटिव डिग्री बन जाएगी। ये उस टाइम की बात है फ्रेंड्स, जब आपको कुछ नहीं पता है और आपके पास पॉजिटिव डिग्री है जो बिल्कुल सिंपल दी हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स इसका आपको आगे जैसे आगे 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 नए रूल पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है। और आगे मैं आपको याद भी दिला दूंगा कि पॉजिटिव सिंपल कौन सी है और सिंपल पॉजिटिव कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव तीन भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव थ्री टाइप से हमने डिवाइडेशन कर दिया डिग्री का। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर नोट में लिखा दिया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय ER व पॉजिटिव से कम सुपरलेटिव बनाते समय EST का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो इसके बाद ER जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो CLEVER, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और इसी के पीछे हम यदि EST जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल और भी दिए हुए हैं, जैसे थिन में भी देख सकते हो THIN, इसमें ER लगा दिया तो थिनर, और ये बन गया आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और आगे देखिए सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें थिन में यदि EST जोड़ दिया तो ये बन गया अपनी सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। हालाँकि ये इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ सकते हो कि मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, काइंड पॉजिटिव डिग्री और इसको सुपर रिलेटिव बनाते समय इसमें EST जोड़ देंगे, और कंपैरेटिव बनाते समय इसमें ER जोड़ देंगे, तो ये फ्रेंड्स सुपर रिलेटिव और कंपैरेटिव बन जाएगी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो बोल्ड में ER जुड़ने पर कंपैरेटिव और EST जुड़ने पर ये सुपर रिलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी सेम रूल के अकॉर्डिंग बिग में ER यदि हम जोड़ देते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और EST यदि हम जोड़ देते हैं तो ये सुपर रिलेटिव डिग्री बनी जाती है। आई होप आपको मेरा पहला रूल है जो कि मैंने नोट के जरिए से आपको बताया है, ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय ER व पॉजिटिव से सुपर रिलेटिव बनाते समय EST जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बन जाती हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा सेकंड रूल है जिसे मैंने सेकंड नोट में दिया हुआ है आपके लिए। जब पॉजिटिव के अंत में ई हो, यानी फ्रेंड्स ये देखो पॉजिटिव डिग्री है, जब पॉजिटिव के अंत डिग्री के अंत में ई हो तो कंपेरेटिव और सुपर लेफ्ट डिग्री में क्रमशः आर व एसटी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो कि पॉजिटिव थ्री भाग में मैंने डिवाइडेशन किया हुआ है, थ्री पार्ट में, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। और यहाँ पर देख सकते हो वाई से डब्ल्यू आई ऐसी ही, और ऊपर के रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको रूल दिखा देता हूँ, आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए इससे। तो वाई से डब्ल्यू आई ऐसी, इसमें जब पॉजिटिव के अंत में ई हो तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव डिग्री है अपनी और इसके अंत में ई लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमें कंपेरेटिव बनाते समय इसके अंत में सिर्फ ई आर की जगह आर जोड़ देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसके पीछे एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपर रिलेटिव बन जाएगी जैसा कि आपके सामने दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी कि बिल्कुल पॉजिटिव कौन सी होती है और बिल्कुल पॉजिटिव कौन सी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें एक अलग रूल लग चुका है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपेरेटिव सुपर रिलेटिव बनाते समय कंपेरेटिव के पीछे ओनली आर और सुपर रिलेटिव के पीछे ओनली एस टी जोड़ देते हैं, ना कि ई आर व ई एस टी। आइए आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि पॉजिटिव इसमें कोई ई नहीं दिया हुआ है, देखो इसके अंत में क्या ई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें ये बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री हैं और ये जो है इसमें सेकंड रूल वाला बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री नहीं है। यानी पॉजिटिव डिग्री तो है बट ये इसमें अलग से रूल लग चुका है इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेकंड वाला रूल भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी एग्जांपल्स में मैंने ऐसे ही बताया हुआ है। वाइस वाइस में आपको मैं बता चुका हूँ, एबल इसमें भी ई है तो इसके पीछे आर जोड़ देंगे, तो कंपेरेटिव इसके पीछे एस टी जोड़ देंगे, सुपरलेटिव नोवेल एन ओ वी ई बी एल ई इसमें ई है लास्ट में तो इसमें आर जोड़ देते हैं तो ये सुपर कंपेरेटिव डिग्री, और एस टी जोड़ देते हैं तो ये सुपर रिलेटिव बन जाएगी। सेम इसी प्रकार से ब्लैक ब्लैकर और ब्लैकर, सॉरी फ्रेंड्स ये जो है ये ब्लैक वाला ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, ये गलती से लिखा हूँ लिख दिया होगा मैंने तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, गलती से लिख दिया है। ये फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करता है ये ब्लैक वाला। इसके बाद फाइन, और फाइन में आप देख सकते हो इसके अंत में ई है, और कंपेरेटिव पे देख सकते हो ई आर फाइनर, और सुपर रिलेटिव में देख सकते हो एस टी जोड़ देंगे तो ये सुपर रिलेटिव बन जाएगी फाइनेस्ट, फाइन ई एनेस्ट। तो आप देख सकते हो मैं डिग्री से रिलेटेड टू पॉइंट टू रूल्स करा चुका हूँ। इसके बाद आता है अपना नोट नंबर थ्री, और थ्री रूल्स भी है, इसे थ्री नंबर रूल्स भी बोल सकते हैं। जब पॉजिटिव के अंत में बाई हो तो बाई को हटाकर आई कर देते हैं, शेष रूल पहले जैसे ही रहेंगे। यानी फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में लास्ट वर्ड में कोई शब्द है और उसके अंत में बाई है तो बाई को हटाकर उसकी जगह आई कर देंगे, और यदि हमें कंपेरेटिव बनानी है तो उसमें ई आर जोड़ देंगे, और यदि सुपर रिलेटिव बनानी है तो उसमें ई एस टी जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझा देता हूँ कि आखिरकार रूल नंबर थर्ड है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपर रिलेटिव ठीक इसी प्रकार से पहले ऊपर में डिवाइडेशन किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवाइडेशन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में बाई हो तो ये अपनी पॉजिटिव डिग्री है, और इसके अंत में ये अपनी पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री है इसमें अंत में बाई दिया हुआ है, और तो बाई को हटाकर ई कर देते हैं। यानी फ्रेंड्स बाई को हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसकी जगह कर देंगे आई, और यदि हमें कंपेरेटिव बनानी है तो ई आर जोड़ देंगे, और यदि हमें सुपर रिलेटिव बनानी है तो ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने किया हुआ है कि पॉजिटिव में अंत में बाई है तो बाई को हटाकर आई कर दिया है मैंने एच ई ए वी आई, कंपेरेटिव बनानी है तो ई आर जोड़ दिया है, और सुपर रिलेटिव बनाई तो ई एस टी जोड़ दिया है। आई होप आपको रूल नंबर थर्ड है जो समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है और ये क्या कहना चाहता है रूल नंबर थर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और भी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, वेल्दी
इसमें भी वाई है, वाई को उठाकर आई करेंगे और लास्ट में ई आर जोड़ देंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगी, और यदि ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एंग्री, इसमें भी अंत में वाई है और वाई को हटाकर आई जोड़ देंगे, और यदि हमें इसके पीछे ई आर जोड़ दिया तो ये सुपरलेटिव, सॉरी फ्रेंड्स, कंपेरेटिव बन जाएगी, और यदि ई एस टी जोड़ दिया तो ये सुपरलेटिव बन जाएगी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो और भी एग्जांपल है, हैप्पी, हैप्पी के पीछे भी बाई है और बाई को उठाकर आई जोड़ देंगे, और इसके पीछे ई आर जोड़ देते हैं हम तो सुपरलेटिव नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, कंपेरेटिव बन जाएगी, और यदि आई ई एस टी जोड़ देते हैं तो सुपर रिलेटिव बन जाएगी। ठीक इसी के अकॉर्डिंग मैरी, और मैरी में भी बाई लास्ट में दिया हुआ है, बाई को उठाकर आई कर देंगे, और यदि इसके पीछे ई आर जोड़ दिया तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, और यदि ई एस टी जोड़ दिया तो ये सुपर रिलेटिव बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो इसको। अब बढ़ते हैं, आई होप आपको थर्ड नंबर रूल भी समझ में आ चुका होगा, तो हम फोर्थ नंबर रूल पर बढ़ते हैं। और फोर्थ नंबर रूल अपना क्या बोलता है, आप देखिए, जब पॉजिटिव के अंत में, क्या, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट यानी फ्रेंड्स एक ही व्यंजन दिया हो और बीच में वॉल्व और बीच में यदि स्वर दिया हो तो कॉन्सोनेंट जो अपना व्यंजन होता है वो डबल हो जाता है, शेष नियम पहले जैसे रहेंगे। कि यदि कंपेरेटिव बनानी है तो ई आर जोड़ देंगे, और यदि सुपरलेटिव बनानी है तो उसमें ई एस टी जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर होगा आपको, तो मैं आपके लिए समझा देता हूँ कि आखिरकार एग्जाम्पल के जरिए से फोर्थ नंबर रूल क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि थ्री पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया मैंने आपके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर स्मॉल, और स्मॉल में आप देख सकते हो, मैं आपके लिए एक बात बता दूँ कि अंग्रेजी में जो इंग्लिश होता है इसमें जो होते हैं वॉल्व ए ई आई ओ और यू, पांच वॉल्व होते हैं, और फ्रेंड्स ए ई आई ओ यू के अलावा भी जो भी लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके लिए एग्जांपल के जरिए से समझा देता हूँ। इसमें देखिए स्मॉल, मैंने पहला एग्जांपल लिया है आपके लिए स्मॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हो एल है लास्ट में, सिंगल कॉन्सोनेंट है एल, और एल है लास्ट में आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग दोनों के, और बीच में ये देखिए ए, और ए है एक वॉल्व, क्या है वॉल्व, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, तो फ्रेंड्स यहाँ कंपेरेटिव बन जाएगा आपका स्मॉलर, और यहाँ बन जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। यदि कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा मैं हमारा जो सेकंड है, सेकंड वाला जो बनता है एग्जाम्पल, वो बनता है बिग, और बिग में आप देख सकते हो कि इसमें जी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और इसमें आई जो है ये वॉल्व है, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो, तो इस तरीके से होता है, तो लास्ट जो अंतिम जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो आप आए हो जाएगा आपका बी आई डबल जी, बी आई डबल जी, और यदि आप इसे कंपेरेटिव बना रहे हो तो ई आर जोड़ देंगे, और यदि सुपर रिलेटिव बना रहे हो तो ई एस टी जोड़ देंगे। ठीक इसी अकॉर्डिंग मैंने जोड़ा हुआ है आपके लिए, आप देख सकते हो। इसी प्रकार हॉट है, इसमें ओ है जो बॉल्ब है, टी है जो व्यंजन है, और यहाँ पर इस तरीके से होता है तो इसका जो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, वो डबल हो जाता है, तो इसका हो जाएगा हॉटर, और इसका हो जाएगा हॉटेस्ट। इसी प्रकार रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड वाला फोर्थ नंबर रूल है जो क्या बोल रहा है, कि जब पॉजिटिव के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट होता है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने ये एग्जांपल है जो आपका गलत है, गलत है फ्रेंड्स, इसको मत समानना आप अपने एग्जाम्स की दृष्टि से, ये बहुत ही गलत है और वैसे भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी केवल एक ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए, चाहे ए ई आई ओ यू के अलावा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंत में दो कॉन्सोनेंट हैं, एल डबल एल, तो फ्रेंड्स ये है जो इसका
नहीं बनेगा, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव इसका कोई दूसरा होगा, वो मैं आगे बता दूंगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स स्मॉल है ये, गलत है, इसको आप मत संभालिएगा। इसके अलावा मैं आपको आई होप ये फोर्थ नंबर रूल समझ में आ गया होगा कि सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हो और बीच में वॉवल भी दिया हो तो कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है सैड। तो फ्रेंड्स ये देखिए डी, और डी है कॉन्सोनेंट और ए है आपका वॉल्व, तो ये हो जाएगा डबल डी हो जाएगा लास्ट में, और ई आर लगा देंगे तो कंपेरेटिव और ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव। सिंपल है ना फ्रेंड्स। इसके बाद है फैट, और फैट में टी है जो व्यंजन है और ए है जो बल्ब है, यदि इसके पीछे टी ए को लगा देते हैं तो यही रूल फॉलो करेगा कि यदि अंत में व्यंजन डबल हो जाएंगे इसके, और ई आर लगा दिया तो कंपेरेटिव और ई एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव। ठीक इस प्रकार से थिन, टी एच आई एन, और एन है आपका जो कॉन्सोनेंट और आई है आपकी जो बल्ब, और ठीक इसी रूल के अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, और यदि आप कंपेरेटिव बनाना है आपको तो ई आर जोड़ दीजिएगा, और यदि सुपरलेटिव बनाना है तो आप ई एस टी जोड़ सकते हैं, तो आपका सिंपल ये हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए बता देता हूँ रूल नंबर फिफ्थ। मेरे जो रूल बताए हुए हैं इन्हीं रूलों से आपकी डिग्री है जो कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स ये अपना नोट नंबर 5 है, और नोट नंबर 5 यानी रूल नंबर 5, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में दो या दो से अधिक मात्रा का बोध हो तो कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको अब एग्जाम्पल के जरिए से समझा देता हूँ तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। ये हमने डिवाइडेशन कर लिया, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया, और यहाँ आप देख सकते हो अब एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है हमने इंडस्ट्रीज यानी अपनी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो कि बहुत सारी हैं। तो फ्रेंड्स यही बोल रहा है आपका रूल नंबर फिफ्थ कि पॉजिटिव में दो या दो से अधिक मात्रा का बोध हो तो इंडस्ट्रीज ना केवल एक ना केवल दो, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी होती हैं। तो आप यदि इसे कंपेरेटिव, आपसे बोला कि इंडस्ट्रीज का कंपेरेटिव बनाइए तो आप क्या करोगे, इसमें मोर जोड़ देना है सिंपल, तो आपका कंपेरेटिव बन जाएगा, और यदि मोस्ट जोड़ देते हो तो सुपरलेटिव बन जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है इंडस्ट्रीज जो होती हैं एक दो तीन नहीं होती हैं बल्कि इंडस्ट्री बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तो यही अपना रूल नंबर 5 है जो बोल रहा है। इसी प्रकार से मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर, ठीक इसी प्रकार से ब्यूटीफुल, आपको जैसे पता है कि ना केवल एक ना केवल दो ना केवल तीन, ब्यूटीफुल बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है कि इतने ही आदमी सुंदर होंगे ब्यूटीफुल होंगे। तो फ्रेंड्स यदि इतने दो या दो से अधिक का बोध हो रहा है ब्यूटीफुल में, तो आप यदि आपसे बोला जाता है कि कंपेरेटिव बनाइए भाई, तो कंपेरेटिव बनाने के लिए इसमें मोर जोड़ दीजिएगा, और यदि सुपरलेटिव बनाने के लिए बोला जाए तो मोस्ट जोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा मैं अपना आता है रूल नंबर 6, और ये रूल बनता है अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से ही पूछे जाते हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसे शब्द जिन्हें पॉजिटिव से कंपेरेटिव व सुपरलेटिव में बदलते समय वो पूरी तरह अलग हो जाते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, रूल नंबर 6 है बट समझ में आ जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि मैंने आपको क्या बोला, नोट नंबर 6 यानी रूल नंबर 6, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया, गुड और वेल ये दोनों, इनमें से कोई भी हो पॉजिटिव डिग्री आपके लिए, कोई पॉजिटिव डिग्री दे दी किसी ने कि भाई गुड का कंपेरेटिव बनाओ, तो गुड का कंपेरेटिव ना कि ई एस टी जुड़ेगा ना या इसमें वाई हटा के आई जुड़ेगा, कुछ भी रूल फॉलो नहीं करेगा इसमें। इसका फिक्स है कि कंपेरेटिव यदि कोई पूछता है तो इस कंप्यूटर कंपेरेटिव होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट, इसी प्रकार से वेल का बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। और यही अपना 6 नंबर रूल कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द जिन्हें पॉजिटिव से कंपेरेटिव व सुपरलेटिव बदलते समय वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव देखिए और ये कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव देखिए, ये पूरी तरह चेंज हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बट यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई गुड़ का
कंपैरेटिव बनाओ तो आपको बता देना है बेटर, और यदि सुपरलेटिव बताओ तो बेस्ट बता देना है। इसी प्रकार से बैड, ईवल और इल, इनमें से तीनों में से आपसे कोई एक पूछ ले कि कंपैरेटिव डिग्री बनाओ तो इसका बनेगा आपका वर्स WRSE, और सुपरलेटिव बनेगा वर्स्ट यानी WORST। इसी प्रकार से ठीक लिटिल और लिटिल का जो आपका कंपैरेटिव बनेगा लेस या लेसर, और सुपरलेटिव बन जाएगा लेस्ट लिस्ट। इसी प्रकार मच और मच का बनेगा आपका कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट। कब मच? जब आपसे क्वांटिटी में कोई क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंड्स, जैसे कि मानो आपसे पूछा गया है कि भाई एक लीटर दूध दे दो, तो दूध देने पर एक लीटर दूध दे दो तो उसके साथ आप यदि एक लीटर मांग रहा है तो, और वो बोल रहा है कि आप एक सुपरलेटिव डिग्री बनाओ तो आपको मोस्ट लगा देना है, और यदि कंपैरेटिव बनवा रहा है तो उसके पीछे मोर लगा देना है। और इसी सेंटेंस को यदि वो ऐसे बोलता है कि भाई 10 लीटर दूध दे दो, कितना, सॉरी फ्रेंड्स, यदि वो इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलता है भाई 10 किलो चीनी दे दो, तो 10 किलो यह एक नंबर हो गया, और नंबर होने के कारण मैनी और पॉजिटिव में मैनी हो, इस मैनी का सुपरलेटिव बन जाएगा आपका मोस्ट, और कंपैरेटिव बन जाएगा इसका मोर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मच और मैनी इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होता है, सो आपको याद करने में भी आसानी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगला है अपना, आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली समझा दूंगा। इसके अलावा मैं आप देखिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में आप देख सकते हो ये है लेट, और लेट का कंपैरेटिव बनता है लेटर और या लेटर लाटर। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी को भी आप बता सकते हो, यदि कोई पूछता है लेट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पूछता है तो लेटेस्ट और लास्ट। इसी प्रकार से पॉजिटिव में फार और फार, फार FAR, फार माने दूरी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यदि इसका कंपैरेटिव पूछता है तो फर्दर, और यदि सुपरलेटिव पूछता है तो फर्दरेस्ट, कब, दूरी के सेंस में। इसी प्रकार NIGH, और यदि इसका पूछता है आपसे कंपैरेटिव तो नायर NIGHER, और सुपरलेटिव पूछता है तो नाइएस्ट और नेक्स्ट, किस कोई सा भी आप बता सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आप भाई सुपरलेटिव पूछा आपका इस NIGH का, नाइच का, और सुपरलेटिव पूछा आपने, यदि नेक्स्ट बता दिया तो वो गलत कर देगा। नहीं, वो गलत नहीं करेगा, वो बिल्कुल सही बताएगा कि नेक्स्ट भी होता है सुपरलेटिव और नाइस्ट भी ये होता है, NIGHEST दोनों ही होते हैं। इसके अलावा में तो फ्रेंड्स, इसके अलावा में भी आपके कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो बनते हैं, जैसे फॉर FORE, यदि इसका कंपैरेटिव पूछता है तो आपको बताना है फॉर्मर यानी FORMER, और यदि सुपरलेटिव पूछता है तो इसका बताना है फॉर्मनेस्ट यानी FORMOST, और इसका फर्स्ट भी होता है, कौन सा वाला फर्स्ट, FIRST। इसी के अकॉर्डिंग अभी और बता देता हूँ मैं आपके लिए, फोर यानी FORE, ये पॉजिटिव डिग्री है। यदि FORE का कोई आपसे पूछता है कि भाई इसका कंपैरेटिव बताओ तो आपको बताना है फर्दर, और फर्दर मैं यहाँ पर भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ ये फार है FAR, फार दूरी, और इसमें फर्दर FARTHER है, बट मैं आपको अब फर्दर जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ FURTHER। यदि आपसे कंपैरेटिव पूछता है कोई भी FORE का तो आपको कंपैरेटिव बनाना बताना है फर्दर यानी FURTHER, और यदि इसका सुपरलेटिव पूछता है तो आपको इसमें EST लगा देना है, किसमें, FURTHEST, ये आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। ये डिग्री, ये डिस्टेंस के सेंस में लगाया जाता है फार, और FORE जो होता है ये गति के सेंस में लगाया जाता है। इसके अलावा मैं आपके लिए और बता देता हूँ, इन और इनका कंपैरेटिव बनेगा इनर यानी INNER, और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा आपका इनमोस्ट यानी INMOST बन जाएगा। इसके अलावा मैं अप और अप जो है UP जिसे लिखते हैं अप, और इसका जो कंपैरेटिव पूछता है कोई तो अपर रहेगा, और इसका जो सुपरलेटिव हो जाएगा वो अपमोस्ट रहेगा। इसके अलावा मैं और भी हैं,
लेकिन अब ये कि बता देता हूँ आपके लिए, मैं आउट और आउट का यदि कोई कंपेरेटिव पूछता है तो आपको आउट ही रहेगा आउट का कंपेरेटिव। और इसके अलावा मैं ये कह रहे हैं कंपेरेटिव आउट का वो होता है अटर, यानी UTTER, और इसका सुपरलेटिव जो होगा वो होगा आपका अटमोस्ट, यानी UTMOST, और अटरमोस्ट, यानी इन दोनों सुपरलेटिव के पीछे, कंपेरेटिव के पीछे मोस्ट लगा देने पर आउट का सुपरलेटिव बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब आती है एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स एग्जाम में ये एरर वाले पार्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, और इन्हें जो एरर वाले पार्ट में भी डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको डिग्री को बहुत अच्छी तरीके से जो है करना है, और ये थे आपके कुछ डिग्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रूल्स जो मैं आपको पूरी तरह से समझा चुका हूँ। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो और यदि आपको कोई प्रॉब्लम का फेस हो तो आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यदि किसी अन्य टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हो, हम वहाँ पर भी आपका जो अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है pankajjoshi342, तो यह है अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट। हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर जो है पर्सनली बातचीत कर सकते हो, हम आपका बातचीत ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ पर आपके लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, और वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी वीडियोज़ का जो है प्रॉफिट ले सकें। इसके अलावा मैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि जैसे हम कोई न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने पर यदि आप सब्सक्राइब बटन वो प्रेस करते हो तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे, यानी आप हमारी टीम में शामिल हो जाओगे, और यदि आप हमारे जो उसकी साइड में दिए हुए बेल आइकन को तो दबाना कंपलसरी ही है, आप उसको दबाए बिना हमारी वीडियो नहीं पा सकते। और जैसे ही आप बेल आइकन दबाओगे आपको हमारी सारी वीडियोज प्रोवाइड होने लग जाएंगी, तभी आप हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड कलर का जो बटन है वही सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करने पर वो है ग्री उसको प्रेस करने पर वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और साइड में दी हुई जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर लेना है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पंकज जोशी विदा लेता हूँ आपसे, और मिलता हूँ किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय फ्रेंड।